मुफ्ती साब हज की फजीलत और ना करने के वईद एक रिवायत में आता है कि जो हज जिस पर लाजि हुआ वो हज ना करे तो वो यहूदी होके मरे ईसाई होके मरे मुझे उसकी परवाह नहीं है। और कुरान के अल्फाज देखो कि वल्ल ही से हजुल्बी मनस्ता सबीला अल्लाह के लिए लोगों पर लाजिम है कि जो बैतुल्ला जाने की इस्तात रखते हैं वो बैतुल्ला का हज करें आगे क़ुरान के अलफा देखो वलिल ही हिजुल्बती मनस्त सबीला आगे क्या जो इनकार करेगा तो अल्लाह तमाम जहान वालों से गनी है क्या मतलब बड़ी द... बहुत बड़ी धमकी है कि जो नहीं आएगा ना इस्तात के बावजूद अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ये जब धमकी के अल्फाज वाजे नहीं होते हैं न होते हैं तो बलागत का कायदा है कि यह धमकी छोटी नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी होती है तो अल्लाह कह रहे हैं, मुझे फिर तुम्हारी जरूरत मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो इस्लाम का एक रुकन है आज क्या होता है मैं हज पे जब गया था अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सारे बुढ़े बुढे बुढ़िया बुढ़िया आ रही होती हैं हज के लिए ठीक है अल्लाह उनको इस उम्र में तोफीक दे रहा है अच्छी बात है ना आने से बेहतर था कि चलो अब आ गए मेरे भाई ये जवानी का काम है समझते हो जब जैसे ही पैसा आए सबसे पहला काम क्या करो हज करो उसको डिले करते हैं सारे कामों से फ़ार होकर बच्चियों की शादियां अपनी भी चार टोटल मुकम्मल सॉरी गलती से निकल गई अपनी भी शादी हो गई कुछ चीजें मेरे मुंह से गलती से निकल जाती अपनी भी एक शादी हो गई और फिर क्या है कि वो सारे बिजनेस बिजनेस से फार हो हुला के जब अब करने धरने का कुछ भी नहीं है बैठा हुआ है क्या करें यार बोरियत बहुत रही है भी सारी किस्तें ख़त्म हो गई देख लिया कोई नई सीरीज भी नहीं आ रही वो ड्रामा चल रहा था वो भी ख़त्म नई फिल्म भी देख ली ठीक है ना सब कुछ हो हुआ कि क्या करें यार आपको बेगम को, को मशवरा तो चले हज पे ना चले चलो ठीक है कहाँ चलते, चलते हैं, चलते हैं। चल ठीक है भाई हम जो बुढ़ापे में भी जा रहे हैं हम खुदा न खास्ता उनको बुरा नहीं कह रहे नेकी तो जिस उम्र में की जाए जब अल्लाह कबूल कर रहा है तो हम कौन होते हैं लेकिन यार तुम बाकी तो सारे काम तुमने जवानी के लिए रखे हुए हैं हज तुम मौखर कर रहे हो जब जब उर्तुलडरामे की सारी किस्तें ख़त्म हो जाएंगी बुरी बात है ना ये जब आप अल्लाह के हुक्म को वैल्यू नहीं दोगे तो अल्लाह आपको वैल्यू देगा देखो हज आपकी ज़िंदगी पलट देता है तो ज़िंदगी पलटने की ज़रूरत जवानी में है जवानी में चेंज हो गए आगे खैर का बहुत ज्यादा मौका मिलेगा बहुत मौका मिलेगा दर जवानी तोबा, करदन शेवा जवानी में तोबा करना किसका काम है पैगम्बरों का काम है तो हज में इंसान दफ़ा जिंदगी चेंज हो जाती है उसकी जब वो अल्लाह के शायर देखता है ना वहां पर कैसा लाखों का मजमा मिना से याफाज से निकल के मुजलिफ चूंटियों की तरह लोग होते हैं कैसी एक एक अल्लाह की निशानियां नजर आती हैं वहां पर कैसा दीवानों की तरह बैतुल्ला का तवाफ बकर के तीन दिनों में जो तवाफ ज्यारत होता है ना इतना रश पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता लाखों लाखों रुपए लोग खर्च करने के गए और अल्लाह के घर के गिर्द घूम रहे होते हैं जरा कभी छत से खड़े होकर हरम की छत से देखा करें एक इंसानों का समंदर है और वो सारे बैतुल्ला के गिर्द दीवानावार घूम रहे हैं ये इस्लाम की अजमत देखने का मौका मिलता है इससे इंसान के अंदर दिल तब्दील होता है हज में बड़ी क़ुरबानियाँ दी जाती हैं और हज तो है ही सारी दीवानगी हज के अक्सर अकाम ऐसे जिनकी बाहर कोई लॉजिक नहीं है अल्लाह ने कहा मेरे दीवाने बन के आओ जैसे जैसे कह रहा हूँ करते चले जाओ कैसे अजीब अजीब काम करवाए जाते हैं सबसे पहले हमसे हमारा लिबास उतरवा लिया थ्री पीस सूट और टाई में जो घुमा करते थे बालों की कटिंग और उनको दो चादरें पहनाई जा रही हैं अब इंसान के बच्चे बन के आना हमारे घर में अगर दीवाने हो तो दीवानों वाला स्टाइल चाहिए अभी वो जो ऑफिस जिस स्टाइल में जाते हो ना वो वाला स्टाइल बोलो नहीं चले जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाना जानते हैं अल्लाह से उन अहकाम की लॉजिक नहीं पूछते जैसे शैतान ने पूछा था ना क्यों सजदा करूँ मैं आदम को वाए तो ये नहीं पूछते इब्राहीम को अल्लाह ने हुक्म दिया बेटे को जबा करो यह हुक्म बज़ाहिर ज्यादा इलॉजिकल था कि मासूम बेटे की गर्दन काटने का हुक्म दिया जा रहा है शैतान को जो हुक्म दिया सर्दा करो यह इतना इलॉजिकल नहीं था लेकिन शैतान शैतान ने कहा इसकी लॉजिक क्या है मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आंख से बनाऊ ये मिट्टी से मैं क्यों सरदा करो आदम सलाम को इससे ज्यादा अजीब हुक्म दिया कि अपने मासूम बेटे को अपने हाथ से काट दें जबा कर दें सॉरी इब्राहिम को लेकिन इब्राहिम ने इसकी लॉजिक बोलो नहीं पूछी बेटा मुझे अल्लाह ने हुम दिया तुझे काट दू बेटे ने का जब अल्लाह का तो भाई हम क्या कह सकते हैं भी दें आप मेरा, मेरा गला दें, जबा कर देते तो इन, इन है। तो हैं हज पे वहां आप जानवर जवा करते हो आप रमी करते हो वहां शैतान नहीं है वो तो एक निशानी है तीन लेकिन आप पत्थर मारते हो रमी करते हो क्यों इब्राहिम ने यहां शैतान को कंकिया मारी थी जो आपको बहका रहा था कि अपने बेटे को क्यों जबा कर रहे हो क्या बिगाड़ा इसने इब्राहिम सलाम ने शैतान को दलाइल से जवाब नहीं दिया पत्थर उठा के मारे अल्लाह ने कहा तुम जाओ वहां कंकरियां फेंको अब अल्लाह वो तो इब्राहिम सलाम थे वहां तो सच्ची मुच्ची का शैतान था मैं क्यों कंकरियां फेंकूं तो इसका मतलब जब आपने क्यों कर लिया तो आप किसकी लिस्ट में आ गए शैतान की कैसा अजीब हुक्म है जाके सात कंकरियां मारनी भी ऐसे हैं या तो होता है ना ठा उठा के मारो तो समझ में आता है ऐसे ऐसे फेंकनी है जाके हाजी दस पंद्रह लाख रुपए ये करने के लिए जा रहा हूं खर्च करता है ये काम करने के के एक तूफान लोगों का कंकरियां मारने के लिए क्यों किसका हुक्म है भाई अल्लाह का हुक्म है अल्लाह का ऑर्डर है लिबास उतार लिया अपना कितना मुश्किल काम है अनसिला लिबास पहनना तीन चार दिनों में दिमाग ठिकाने आ जाता है फिर जब हम पहनते हैं ना अपनी शलवार कमीज ऐसा सुकून मिलता है यार मैं जब हज करने गया तो मीना में मैं तो तीन दिन सोया नहीं की हालत में ना क्योंकि रश इतना, इतना बहुत जितना भी वी आई पी हज हो टेंशन होती है फिर मीना में, में मेरा बिस्तर लग गया एक साहब के साथ वो बगल मुझे दिखा रहे हैं अपनी के देख ले भाई यूं करके सो रहे हैं उनकी बगल यार इसको अब क्या करे आदमी उनको क्या करे यार ये मुझे क्यों दिखा रहे हो भाई नींद ही नहीं आ रही हमें इस टेंशन से कि किसी के पसीने की स्मेल आ रही है किसी की बगल तो का मुताला करने का मौका मिल रहा है इसका क्या है इंसान को घिन आती है ना इन चीज़ों से लेकिन ला रफत वाला, वाला जिदाला हज आपको चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है कि क्या कर रहा है तुझे तमीजनी है हज करने की मैं ये भी कह सकता था ना ठड्डा उड्डो ये क्या मुझे बगल दिखा रहे हैं हाँ? बाजू नीचे कर ना 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 अल्लाह कहते हैं ये ये नहीं चलेगा वहाँ पे अल्लाह क्यों नहीं चलेगा अल्लाह कहेंगे क्यों किया तो किसकी फहरिस में शैतान ने क्यों किया था नहीं झगड़ा वगड़ा नहीं है जो जैसा है बर्दाश्त ट्रैवल एजेंसी आपके साथ जुल्म कर रही है चुप आके फिर गिलास लो इनकी पे ट्रैवल एजेंसियां बड़ी होशियार होती है उनको पता है है आने के बाद कौन पूछता ठीक है ना तो जो जो होगा क्यों की इजाजत नहीं है क्यों वाला काम शैतान का है फला रफसा वला फसूका वाला जिदाला फिलहज कोई गुनाह नहीं करना बदनजरी नहीं मौके बदनजरी के बहुत मिलेंगे ना 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 यहां आपको नजर उठाने की इजाजत नहीं है वहां भी नहीं है लेकिन यहां ज्यादा गुना है अपनी बीवी से भी आप रिलेशन कायम नहीं कर सकते वहां पे एहराम की हालत में तो नाम महरम से कैसे आप लजत हासिल कर सकते हो तो फिर एहराम की चादरें बनवाई जा रही हैं खुशबू लगाने पर पाबंदी बाल तोड़ने पर पाबंदी जुए मारने पर पाबंदी अब तो बड़ा वी आई पी हज हो गया साहबा के नाम के तो एक एक दो दो महीने के हराम होते थे हदीस में आता है बादबा के सरों में ना जुएं गिर रही होती थी नीचे ठीक है ना कुर्बानी करो हल कराओ अब क्या करना है अब तवाफ जियारत करनी है बकरीद के तीन दिनों में अल्लाह इतना रश होता है इन तीन दिनों में क्यों क्यों का बोल दिया तो किसकी लिस्ट में आ जाओगे क्यों नहीं जाओ तवाफ जियारत करो इतनी पब्लिक तीन अजमत वाले दिन है ना या यह याम नहर अजमत वाले दिन है फिर क्या करें तवाफ़ ज्यारत करके वापस आ जाओ मीना अभी तो आए थे अल्लाह ने कहा अब वापस जाओ बस जो मेरा बंदा होगा वो ये काम करेगा आखिर में एंड क्या निकलता है प्रोटोकॉल क्या मिलता है आपको जब आपने इतनी कुर्बानियाँ दी अरफात का वक़ूफ़ किया आपने अरफात में लंबी दुआएं मांगना सुन्नत है अरफात का वक़ूफ़ भी कर लिया कुर्बानी भी हो गई उसके सिले में अब हो सकता था अल्लाह ताला हुक्म देता कि अब मेरे बंदों को मुफ्त खजूरें बांटी जाए मेरी तरफ से ऑर्डर है ना ना, ना। अल्लाह कहते हैं अब क्या होगा तुम्हारा टिन जो थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी थी बालों की वजह से वो भी बोलो जब वहाँ से आओगे सर चमक रहा होगा लोग कहेंगे ये क्या हो गया आप जाते हुए तो आप ऐसे इतने हसीन नहीं थे कुछ लोग ये शेयर सही लेकिन ये बात खूब समझ लें हज या उमरे में हल कराना टिंड कराना ज़रूरी नहीं है कसर भी करा सकते हैं सवाब तीन गुना ज़्यादा है हल कराने में समझते हो लेकिन कसर कराना भी क्या है बाल एक कोरे के बराबर छोटे करना भी क्या है जायज़ है तो जो काम जायज़ होता है उस पर किसी को मलामत नहीं की जाती मैंने जब पहली बार हज किया मेरे इतने बड़े बड़े बाल थे मैंने उन बालों की कुरबानी देकर टिंड करा ली आपको पता है इतने बड़े बाल होने में बड़ा टाइम लगता है हमने टिंड कराई हमने कहा यार ये सुन्नत एक दफ़ा हम जिंदा करेंगे हल्क की सुनत टिंड करा ली हमने उमरे में भी टिंड कराई हज में भी टिंड कराई दोबारा मैं उमरे पर गया मैंने टिंड नहीं कराई मैंने कसर करा लिया मैंने कहा चलो हल्क की सुन्नत ज़िंदा कर दी एक दफ़ा अब हम कसर करा लेते हैं ताकि घर में थोड़ी सी इज्जत हो हमारी इसी की वजह से थोड़ी सी इज्जत घर में शादी आदमी की कहाँ क्या इज्जत होती है आपको पता है थोड़ी सी बालों की वजह से इज्जत रह गई है वो भी टिंड करा ली तो ख़त्म हो जाएगी दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा तो थोड़ी सी तो दहशत रहे ना जड़ से थोड़ी खात्मा करना है गर्दी, खैर बहरल सवाब हल्क में ही ज्यादा है टिंड कराने में ही ज्यादा है लेकिन मैंने कहा मैं उम्र करता हूँ तो हल्क कराऊंगा तो हल्क वो सॉरी कसर कराऊंगा कसर करा लिया जहाज में लोग ताने दे रहे थे मुझे यार आप मौलाना हो आपने उम्रा किया टी कैसा उम्र है यह कैसा उम्र है तो ये फिर शरी हदूद से क्या है ज्यादती है जब अल्लाह ने इजाजत दी है तो आपको मलामत करने का हक मैंने कहा अब तो मैं कसर ही कराऊंगा क्योंकि आपको एतराज क्यों हो रहा है इस पर मेरा मर्जी मेरी मर्जी तो अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश ना करें बाज दफा बाज लोग मैं जब जद्दा में था तो वहां मैंने देखा बहुत से लोग यहां पांच पांच छे छः साल से जॉब कर रहे हैं उमरा नहीं कर रहे वो मैंने कहा क्यों नहीं करते उम्र यार तुम्हारे तो हर इतना करीब है कह रहे यार ट्रेंड करानी पड़ेगी हम नहीं करा सकते मैंने कहा कसर करा लो यार बाज लोग यारिट नहीं करा सकते उनको हो गया ना यार नहीं हम नहीं वो कह रहे हैं हम ट्ड में बहुत अजीब से लग रहे होते हैं तो जब अल्लाह ने ऑप्शन दिया है तो चलो मैंने कहा यार बालों की कुर्बानी ना दो ये तो अल्लाह ने इजाज़त दी है ना तो कसर करा लो तो उनको पता ही नहीं था कि कसर भी हो सकता है तो इसलिए आप हज उमरे से इस वजह से रुक जाएं कि टंड करानी पड़ेगी ये गलत है उम्रा करें टिंड से अगर आपको बहुत ज़्यादा नफरत है तो बेहतर तो यही है कि करा लें कुर्बानी दे, दे दें अल्लाह की खातिर लेकिन अल्लाह ने ऑप्शन दिया है किसका कसर का भी ऑप्शन एक पूरे के बराबर बाल चारों तरफ से काट लें तो भी ठीक है समझते हो तो आइंदा अगर मैं गया तो मेरा इरादा है कसर कराने का कि कसर करा लूँगा तो ऐसा ना मैं उम्र से या हज से आऊँ आप बोलें यार, 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 यार ये तो वैसे जैसे गए थे वैसे तो आपको एतराज़ का हक़ नहीं है मेरे बाल मेरी टिन मेरी मर्जी मेरी जेब के रयाल पैसे मैं टिन कराऊँ या मैं कसर कराऊँ हो सकता है टिन करा लूँ मैं कि यार कर्बानी दे दूँ दहशत गर्दी गर्दी का जड़ जर्स, जड़ से खात्मा कर ऐसी कि तैसी बाद में देखेंगे होता क्या है हो सकता है ये भी हो जाए हो सकता है कसर कर लें तो अपने किसी के ताती मामलात में दखल अंदाज क्योंकि मैं पहले जब उम्र किया ना लोग मुझे हर आदमी तो ये कैसा उम्र है यार आपके तो सर पर उसी तरह बाल लटक रहे हैं ये कैसा है उम्र है यार ये कैसा उम्र है यार तो एतराज़ करने की मेरे भाई इजाज़त नहीं है ये फिर बिदत हो जाएगा समझते हो जिस चीज़ की अल्लाह ने इजाज़त दी है तो उसको देखो पीर जुमेरात का रोज़ा रखना सुन्नत है ना ना रखे तो आप कैसे क्यों नहीं रखा वह भाई भाई सुन्नत है ही इसी कि कोई दूसरा तंज ना कर सके यार रमज़ान का छोड़ दे तो आप पूछें यार फ़र्ज़ है ये कैसे छोड़ दें मुसलमानों के रोज़ा छोड़ रहे हो समझते हो के नहीं समझते तो इसलिए मेरे भाई हज के लिए पैसे जमा किया करो हज पे जाया करो ये तो बड़ी प्यारी इबादत है इस यूनी ऐसी यूनिक इबादत है ये ये दीवानों के लिए अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए इससे ज़्यादा जायके वाली लुफ वाली इबादत कोई है नहीं जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है मेरा तजर्बा है मुशाह है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि मुझे बैतुल्ला का हज मिल जाए क्योंकि उसके दिल में अल्लाह की खालिस मोहब्बत है ना तो उसकी ख्वाहिश होती है किसी तरह बैतुल्ला